राहत नूरी साहब की गजल है, गजल के जो शेर है वो पहले सुनाऊंगा, फिर देखते हैं तो अपनी मैं लिखा हुआ सुनाता हूँ। राहत नूरी साहब बहुत बड़े शायर, उनका मुकाबला तो नहीं कर सकता, उनके पाँव की धूल के कोशिश करूँगा सुनाने की। उन्होंने कहा कि पहले मैं समझा दूँ कि एक लफ्ज़ इसमें इस्तेमाल करूँगा कि गुजरा। गुजरा का मतलब होता है पहले जो बादशाह लोग होते थे वो अपने जो उनको गिफ्ट मिलते थे, तोहफे मिलते थे, वो एक पर्टिकुलर कमरे में रखते थे, उसको बोलते थे गुजरा। तो कहें कि मेरे हुजरे में नहीं, मेरे हुजरे में नहीं, और कहीं पर रख दो, और कहीं पर रख दो, आसमां लाए हो, आसमां लाए हो, ले आओ जमीन पर रख दो। अब कहां, अब कहां, अब कहां ढूंढने जाओगे हमारे कातिल, अब कहां ढूंढने जाओगे हमारे कातिल, तुम तो कत्ल का इल्जाम जमीन पर रख दो, तुम तो कत्ल का इल्जाम जमीन पर रख दो। और कहे के आगे कि उसने, उसने जिस ताक पर कुछ टूटे दिए रखे, उसने जिस ताक पर कुछ टूटे दिए रखे हैं, चांद तारों को भी ले जाकर वहीं पर नहीं। और ठीक है, कोशिश कर कुछ लिखने की कोशिश की है, शुरुआत करता हूँ कि देखो कि जिंदगी जीने के बहाने कहे, सब अपने अपने तरीके से जीते हैं, मैं भी अपने तरीके से जीता हूँ, तो कि जिंदगी जीने के बहाने कई हैं, आशिकों की आशिकी के तराने कई हैं, आशिकों की आशिकी के तराने कई हैं, मेरी भी कलम कहती है कुछ, मेरी भी कलम कहती है कुछ गाने को, मेरी भी कलम कहती है कुछ गाने को, मगर देखकर हालात भूल के कहने को आज मेरे पास गाने, गाने। आगे कहे, कोशिश की है कि अभी 15 मार्च को जन्मदिन था संदीप पुन्नीकृष्णन, बहुत बड़े कहूँगा कि मेरे दिन में सबसे ऊपर उनका नाम है। उन्होंने शहादत दी थी देश के लिए 26/11 में, आप उनके लिए लिखा है कि वतन की आबरू पर फना होने, वतन की आबरू पर फना होने को है मादरे वतन तेरे दीवाने कई हैं, मगर जो मोल लौटा दे, मगर जो मोल लौटा दे उन अनमोल नगीनों के, सत्ता के वो भूखे इतने इतने सियाने गए हैं। तुम्हारा सुना दो कि मगर जो मोल लौटा दे उन अनमोल नगीनों के, सत्ता के वो भूखे इतने सयाने नहीं है, मेरे कलम से आज सुनाने को गाने नहीं है, घरों में चादरें तान कर सोए गए। अभी वही सीन देखने को मिलते हैं कि अभी पीछे 2012 में एक बलात्कार का जो सीन हुआ, अभी भी देखते हैं हालात वही है, कुछ बदला नहीं है, घरों में चादरें तान कर सोए गए हैं, निर्भया की मौत पर रोए गए हैं, सोचा था सोच बदलेगी तो बदलेगा मंजर ये वहशियत का, मगर आज मुल्क के हालात। आगे दोस्त, मैंने लिखने की कोशिश की है कि अब नेताजी जो है, मतलब गरीबों को ना कोई वो नहीं होता है, हक नहीं होता है पढ़ने का या फिर जिंदगी में आगे कहीं बढ़ने का, सही है, कोई हक नहीं है भाई। आपको कार लोन मिल जाएगा 5% पे, 8% पे, लेकिन जब आप एजुकेशन लोन लेने के लिए बैंक में जाओगे 13% से 16% आपको देना पड़ेगा। सरकार कहती है कि आपको जो है 4 लाख तक कुछ देने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप बैंक में जाओगे तो वो जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। तो जिसके पास एक देना नहीं है वो क्या अपने बच्चे को, अपनी औलाद को पढ़ाएगा, तो उनको कोई हक नहीं है ना पढ़ने का। तो मेरी सलाह है नेताजी से कि नेताजी गरीबी मिटने में तो अभी वक्त अभी बाकी है, गरीबी मिटने में तो वक्त अभी बाकी है, गरीब ही मिटा दो सारी आफत की, गरीब ही मिटा दो यही सारी आफत की फसाद यही है, सॉरी। फिर क्या हुआ मिट गया सारा भारत, फिर क्या हुआ मिट गया सारा भारत, आओ मिलकर करते कोई शुरुआत नहीं है। सो नई शुरुआत करने के लिए कह रहा हूँ कि अब युवाओं की, आप लोग सब हैं, आप लोगों की चौखट पर आया हूँ कि वही फिर नई आस लेकर आया हूँ युवाओं की चौखट पर, यारों अब तुमसे ज्यादा तो खुदा से भी आस नहीं है। थैंक यू।